सैफुल्ला खान मेरा नाम है, ड्राइवर कंस्टेबल हूँ अटक ट्रैफिक पुलिस में। तो मेरा ये मैंने बड़ा मुश्किल से छोटा सा प्लाट किसी वक्त में लिया था, तो अभी वो दो अमानत फ्लोर मिलके दो जहरीला पानी जो जिसके बारे में ये कहते हैं कि ये जहरीला है, बड़ा नुकसानदेह है, तो वो सारा पानी इधर से ही आ रहा है। दूसरा इधर लैंड माफिया है, नईम चौधरी नईम बिरादर है, आज मैं उनके पास आया हूँ तो मैंने कहा भाई ये तो 22 फुट गली थी, तो सारी 22 फुट गली को आप क्या कर रहे हैं? उन्होंने गली सर दरमियान में उन्होंने रख दिया है नाला साइडों पर रखने के बजाय, फिर सारा पानी ये नाला आलम सिटी का सीधा जाना चाहिए था, नक्शा चेक करा जा सकता है, सारा पानी मेरे प्लाट में छोड़ दिया गया है। तो मैं एक गरीब मुलाजम हूँ, आज आया हूँ तो आज इन्होंने मुझे धमकियाँ दी हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में गया हूँ, आज वो मीटिंग पर थी, कल फिर जाऊँगा, सेशन जज साहब के पास भी जाऊँगा, अमीन असलम साहब से भी दरख्वास्त है कि सरो मेहरबानी करें, आप लोग कहते हैं कि कानून सबके लिए बराबर है, तो वो जो मिल वाले हैं और ये जो बिरादर हैं नईम के नदीम बिरादर हैं जो जो जिन्होंने आज मेरे साथ मिसबिहेव भी किया है और मुझे कहते हैं छोटा सा मुलाजम होकर तू हमारे साथ आकर इस तरह की बातें करता है, तो सर हम मुलाजम छोटे हैं लेकिन आप लोग देख लें कि ये पानी की हालत देख लें, जहरीले पानी की हालत देख लें, तो सर ये हम बहुत तकलीफ में हैं, तो बड़ा मेहरबानी इसका नोटिस लिया जाए और नाले को जल्दी बंद कराया जाए, वरना वो जब तमीर कर देंगे तो फिर कानून आएगा तो फिर क्या फायदा होगा उसका, सर कोई फायदा नहीं होगा। आप तो फ्लोर मिल वालों के पास गए, उन्होंने क्या कहा आपको? फ्लोर मिल वालों के पास गया था, उन्होंने कहा जी मैं आपको हम आपको पैसे देते हैं, आप नाला आगे कर लें, तो मैंने कहा भाई पैसे हम आपसे लेने नहीं आए हैं, तो वो गाड़ी वाला था वो अमानत फ्लोर मिल वाला, तो मुझे पैसे नहीं चाहिए, आप नाला आगे कर दें, तो ये नाला मैंने इनको भी कहा है कि साइड पर जाएंगे तो वो आगे से तो नाला फिर वो पानी बंद कर देंगे, तो ये कहते हैं ना आप गली ऊंची कर सकते हैं और ना आप अपने प्लाट की सिर्फ भराई कर सकते हैं, तो फिर ये तो मेरा सारा गटर बन गया है सारा नाला, तो ये तो बड़े लैंड माफिया है, हम तो गरीब लोग हैं, तो सर ये क्या लैंड माफिया के खिलाफ पीटीआई की हुकूमत की ये क्या कार्रवाई है कि हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बरए मेहरबानी हम पर, वो देखे गड़े बन गए हैं हमारा, तो सत्यानाश हो गया, बड़ी मुश्किल से हमने किस्तों पर प्लाट लिया था, तो ये तो लैंड माफिया है, वो सारा उन्होंने गिराया हुआ है, सारी दुनिया सारा अटक देख ले, आलम सिटी के दरमियान में उन्होंने पूरी 22 फुट गली पर उन्होंने कब्जा कर लिया है, वो दरमियान से नाला गुजर रहा है, अभी कौन है इनको पूछने वाला, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, मिन्नत करते हैं, कमिश्नर साहब की मिन्नत करते हैं और डीसीओ साहब की मिन्नत करते हैं, अमीन असलम साहब की मिन्नत करते हैं कि इनको कहेंगे हमारे साथ मेहरबानी करें और कानून हर करें।